हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे NIT पुदुचेरी की। सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुदुचेरी, इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर PhD, एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप NITPY.ac.in इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। स्क्रॉल करने के बाद आप चाहें तो एडमिशन के इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, सेक्शन पे, या फिर यहाँ पे देखिए PhD के नोटिफिकेशन है, ठीक है, इस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। लास्ट डेट इज 31 मई, तो 5 बजे तक यू कैन अप्लाई। सो क्लिक कर लीजिएगा। जब आप डायरेक्टली एडमिशन पे करेंगे तो यही पोर्टल ओपन होगा, बट ये वाला एक्चुअली ओपन होगा, एंड यहाँ से आप PhD इसके बाद है तो सेलेक्ट कर सकते हैं। सो जैसा आपने देखा कि लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन अपलोड करने की, वो है 31 मई शाम 5 बजे तक। तो उसके बाद यहाँ पे है इंस्ट्रक्शंस, एंड देन ये है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। तो चलिए वन बाई वन हम देखते हैं। सो यस, ये है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर डेटेड 9 मई, एप्लीकेशन या एडमिशन टू PhD प्रोग्राम, राइट। सो ओवरव्यू है पहले, देन एडमिशन कैटेगरीज हैं। सो फुल टाइम PhD में सबसे पहले है रेगुलर फुल टाइम स्कॉलर्स, जिन्हें इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिलेगी, ठीक है। एंड इंस्टीट्यूट फेलोशिप लिमिटेड लिखा है, तो मतलब सबको नहीं मिलेगी, मेरिट वाइज कुछ कैंडिडेट्स को ही मिलेगी। नेक्स्ट कैटेगरी, सब कैटेगरी है स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स की, जो कि एम्प्लॉई वगैरह हैं किसी PSU के डिपार्टमेंट के, या डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वगैरह के, ठीक है। तो यस, ये हो गया। एंड इसके बाद नेक्स्ट है सेल्फ फाइनेंस्ड फॉरेन लिखा है, तो वो कैंडिडेट जो कि सेल्फ फाइनेंस्ड होंगे बट वो फॉरेन गवर्नमेंट मतलब एम्बेसी के थ्रू आएंगे बेसिकली, राइट। आफ्टर दैट फोर्थ है इंस्टीट्यूट के जो प्रोजेक्ट स्टाफ है इंटरनल, ठीक है, तो स्पॉन्सर प्रोजेक्ट्स में वर्क करेंगे। एंड यस, देन नोट में कुछ पॉइंट्स है, तो वही लिखा है फिर से कि जो इंस्टीट्यूट फेलोशिप है वो लिमिटेड है, तो सबको नहीं, मेरिट वाइज सिर्फ कुछ को ही मिलेगी। देन फुल टाइम स्पॉन्सर कैटेगरी के लिए जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें उनका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, सैलरी अलाउंस, सारी चीज़ें वही प्रोवाइड करे, और वो 3 ईयर्स से कम के लिए ना हो, क्योंकि PhD मिनिमम 3 ईयर्स की होती है, ओके। फिर बाकी स्पॉन्सरशिप अगर विड्रॉ कर ली गई तो आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से फेलोशिप नहीं मिलेगी, आपको खुद से सेल्फ फाइनेंस मतलब फाइनेंस करना होगा अपना PhD। नेक्स्ट, बाकी हाँ, अगर किसी और फंडिंग एजेंसी से मिले तो आपको मिल सकती है। फिर यहाँ पार्ट टाइम ऑन कैंपस है, तो एटलीस्ट 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस वगैरह है, तो आप एलिजिबल हैं। बाकी ये कैटेगरी उन्हीं इंस्टीट्यूशंस के लिए है फिलहाल जो कि जो NIT पुदुचेरी है उसके विदिन 300 किलोमीटर्स रेडियस में हो। देन एक्सटर्नल कैटेगरी है, सो पार्ट टाइम ऑन कैंपस था, देन पार्ट टाइम एक्सटर्नल है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका MOU है NIT पुदुचेरी के साथ, तो उनके लिए है। एंड यस, तो बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करनी होगी आपको। इसमें क्या रिक्वायरमेंट है, सो बैचलर्स डिग्री है इंजीनियरिंग टेक में, इंडस्ट्रीज से 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, एंड 7.5 CGPA है UG में, तो आप एलिजिबल होंगे। फिर पार्ट टाइम इंटरनल है, तो जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं NIT पुदुचेरी के, ये उनके लिए है। नाउ क्राइटेरिया की बात करें तो PhD इन इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स में अगर अप्लाई करना है तो मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग या मतलब MEM Tech हो, या मास्टर्स डिग्री बाय रिसर्च, MS बाय रिसर्च हो इंजीनियरिंग टेक में, रेलिवेंट डिसिप्लिन में 60% मार्क्स के साथ तो आप एलिजिबल होंगे। 5% का रिलैक्सेशन है रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए, या फिर डायरेक्टली PhD के बाद, सॉरी डायरेक्टली बैचलर्स के बाद भी कर सकते हैं। सो BE BTech है किसी CFTI से, साथ में वैलिड गेट स्कोर है, एंड परसेंटेज 90% हो, ठीक है, या 9.5 CGPA तभी आप एलिजिबल हैं। सो ये काफ़ी हार्श है, मतलब हार्श नहीं, आई नो कि होता है इतने परसेंटेज वगैरह भी आते हैं, बट पहली चीज़ CFTI से हो, दूसरी चीज़ वैलिड गेट स्कोर हो, तीसरी चीज़ 90% मार्क्स। सो आई थिंक अभी तक जितना हमने डिस्कस किया उनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशंस इनकी ही है इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, कैटेगरी के लिए। सो एनीवे, देख लीजिएगा, अगर आप फुलफिल करते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। देन मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स भी है, सो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो देखिए मास्टर्स डिग्री हो, साथ में बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री जो है, मतलब बैचलर्स विद मास्टर्स हो फर्स्ट क्लास के साथ, या फिर मास्टर्स डिग्री हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ इन UG, ओके। तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, सो फिर से कोशिश करते हैं। सो जो मुझे समझ आया वो ये कि पहला तो ये हो गया कि वो कैंडिडेट जिनके पास मास्टर्स डिग्री है साथ में बैचलर्स में फर्स्ट क्लास थे, ठीक है, या फिर वो कैंडिडेट जिनके पास मास्टर्स डिग्री मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स में है 60% मार्क्स के साथ UG या PG में रहे हो मार्क्स, एंड बाकी 5% का रिलैक्सेशन है, साथ में यहाँ पे वैलिड गेट, नेट या
मतलब ऐसी कोई और तो नहीं, बट आई थिंक सिर्फ वैलिड गेट हो या फिर नेट हो तभी आप एलिजिबल हैं। सो इंस्टीट्यूट फेलोशिप के लिए गेट या नेट मैंडेटरी है, बेसिक बात ये है, ठीक है। सो यस, उसके बाद नेक्स्ट है रिसर्च एरियाज। तो ये देखिए, फुल टाइम इंस्टीट्यूट फेलोशिप कैटेगरी के लिए क्या क्या एरियाज है वो लिखे हैं। डिपार्टमेंट्स हम बता देते हैं, एरियाज आप चेक कर लेना। सो डिपार्टमेंट्स में केमिस्ट्री इज देयर, देन सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, देन एचएसएस में एनर्जी इकोनॉमिक्स इज देयर, देन फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, देन मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स। ओके, ऑल्सो पार्ट टाइम पीएचडी भी है। सो पार्ट टाइम पीएचडी केमिस्ट्री में है, देन सीएससी सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, एचएसएस मैथ्स, मैकेनिकल, फिजिक्स एंड फिजिकल एजुकेशन। देन सिलेक्शन प्रोसेस, सो आपको अप्लाई करते टाइम रिसर्च प्रपोजल भी अपलोड करना है, सबमिट करना है, स्क्रीनिंग होगी, देन रिटर्न होगा, फिर इंटरव्यू होगा। देन यहाँ एडमिशन का प्रोसीजर है, फिर फीस है। सो टोटल फीस अराउंड 20,000 है फर्स्ट सेम, देन सेकंड से लास्ट तक अराउंड 15,000 है। फिर ये इंस्टीट्यूट फीस स्ट्रक्चर है। सो रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए बेसिकली इसको आप देख सकते हैं। आफ्टर दैट फाइनेंशियल असिस्टेंसशिप, तो देखिए लिमिटेड नंबर है, फिर से लिखा हुआ है। तो आई थिंक आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये सोच कर अप्लाई करिएगा कि फेलोशिप इंस्टीट्यूट की तरफ से तो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यस, बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। सो मिलेगा जिन्हें उन्हें 31,000 मिलेगा, राइट। आफ्टर दैट रिजर्वेशन चार्ज, सो टोटल 34 सीट्स हैं या इंस्टीट्यूट फेलोशिप सिर्फ 34 अवेलेबल हैं, एंड जिसमें ओपन की 15 हैं, 9 ओबीसी, 4 एससी, 2 एसटी, 3 डब्ल्यूएस, 1 ओपन पीडब्ल्यूडी। अप्लाई कैसे करना है? सो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू करना है। 1,000 एप्लीकेशन फ़ी है, 500 है फिर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, लास्ट डेट है 31 में, हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी है, ठीक है। एंड एक से ज़्यादा मतलब कैटेगरी के लिए लिखा है कि सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वायर्ड है, सेपरेट एप्लीकेशन फ़ी के साथ हर कैटेगरी के लिए। तो अगर अलग अलग कर रहे हैं कई सारे डिपार्टमेंट वगैरह में, उसके लिए है ना। स्टेप्स हैं कि कैसे कैसे अप्लाई करना है। सो यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशन कैटेगरी सिलेक्शन के लिए यहाँ पे नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है, तो शॉर्ट कोड ये है, डिटेल देख लीजिएगा एंड कोड अपना सही सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, सो लास्ट डेट है 31st of May। किसी भी क्वेरी के लिए आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अगेन लास्ट डेट 31st of May, कितनी बार मेंशन है ये। सो ईमेल आईडी देख लिया आपने, adpgacad@nitpy.ac.in। ऑल्सो डीन का भी यहाँ पे लिखा हुआ है। देन फॉर्म्स वगैरह हैं, एनओसी, स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट एक्सेट्रा, तो आप इसका फॉर्मेट वगैरह देख सकते हैं। सो बिफोर साइनिंग ऑफ हम एक बार जो एक और इंस्ट्रक्शंस का जो पीडीएफ है या जो सेक्शन है उसे देख लेते हैं। सो यस, ये इंस्ट्रक्शंस है अप्लाई करने के लिए, कैसे अप्लाई करना है। तो सारी चीज़ें वैसे सेम ही हैं, हाँ सब कुछ सेम ही लिखा हुआ है, तो देख लीजिए एंड इसकी हेल्प भी ले सकते हैं आप। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। आई नो थोड़ा सा बार बार कन्फ्यूजन हो रहा था, बट वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा लिखा हुआ था ना कि मतलब अगर दो क्राइटेरिया हैं तो आप और करके नीचे लिख दो। सो एनीवे, जो भी है, अगर आपको स्टिल कन्फ्यूजन है तो मुझे बता दीजिएगा, नहीं तो आप इन्हें ऑफिशियली डायरेक्टली मेल कर लीजिएगा। एंड अप्लाई करना है तो पहले कन्फर्म हो जाइएगा, श्योर हो जाइएगा, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा, बिकॉज कंडीशंस बहुत सारे हैं यहाँ पे। सो एनीवे, ये था आज का वीडियो। हेल्पफुल लगा हो तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज सजेशंस आप हमें बता सकते हैं। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।